गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल इमोजीज। इतिहास में सोशल मीडिया पर सबसे तेजी से बढ़ता एक वर्ड। हर दिन हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर कुछ मैसेजेस भेजते समय इमोजी को यूज करते हैं। तब आपको ये भी पता होगा कि दुनिया का सबसे पहला इमोजी एक स्माइली था। इतनी जानकारी आपको बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएगी, लेकिन अगर इससे आगे आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, जैसे कि स्माइली किसने और क्यों बनाया था। तो दोस्तों, इससे पहले आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, उससे पहले आज इस वीडियो में हम जानते हैं इमोजी के इन्वेंटर के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। छोटा सा डिजिटल आइकॉन होता है जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और इसमें कोई डाउट नहीं है। इमोजी हमारी बातचीत करने का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। किसी से बातचीत करते समय जब हम आलसी महसूस करते हैं या जब हमारा मूड ऑफ होता है तो हम इमोजी का यूज करके अपनी फीलिंग को इमोजी की मदद से दूसरे को बताते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। इमोजी की पॉपुलरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2013 में इमोजी शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया था और डिक्शनरी में शामिल होने के ठीक 2 साल बाद 2015 में इमोजी को वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया था। मतलब उस साल 2015 में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला वर्ड इमोजी था। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि दुनिया का पहला इमोजी किसने बनाया था। दुनिया का पहला इमोजी 1999 में जापानीज मोबाइल ऑपरेटर एनटीटी डोकोमो में काम करने वाले एक इंजीनियर शिगेटिका कुरितवा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने फरवरी 1999 में जापानीज मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनी एनटीटी डोकोमो के लिए 176 इमोजी का डेवलप किया था। याहू मैसेंजर में सबसे पहले और पुराना मेनस्ट्रीम इमोजी का इस्तेमाल किया गया था। 2010 में यूनिकोड द्वारा इमोजी को स्टैंडर्डाइज किया गया। यही रीजन है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े ब्रांड ने अपने खुद के इमोजीज बनाना शुरू कर दिए। यूनिकोड 6.0 अभी तक इमोजी की सबसे बड़ी रिलीज है, जिसमें 994 इमोजीज शामिल थे। पता है, जिस तरह से आपका हर साल बर्थडे आता है उसी तरह से इमोजी का भी हर साल बर्थडे आता है। 17 जुलाई 2014 को पहला वर्ल्ड इमोजी डे मनाया गया था और उसके ठीक 6 दिन बाद 11 जुलाई 2014 को वर्ल्ड इमोजी डे के बारे में पहला ट्वीट किया गया था। इमोजीज की एक लिस्ट हर साल यूनिकोड कंसोर्टियम कंपनी द्वारा डिस्प्ले और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट की जाती है। जब इमोजी सोशल मीडिया पर डिस्प्ले की जाती है तब एंड्रॉयड और आईओएस जैसे बड़े बड़े मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसे अपने प्लेटफॉर्म पर जोर शोर से अनाउंसमेंट करते हैं ताकि अपनी ऑडियंस तक वो इमोजीज पहुंचाई जा सके। ये जो यूनिकोड कंसोर्टियम कंपनी है ना, उसके कुछ मेंबर जो यूनिकोड कंसोर्टियम कंपनी के ऑफिशियल इमोजी बनाने के लिए वोट देते हैं और इमोजी पर अपनी ओपिनियन सबमिट करते हैं, फिर जाकर कोई इमोजी कीबोर्ड पर लिस्ट होती है। 2020 में जारी की गई कुछ इमोजीज, बबल टी, स्माइली फेस विद टीयर, बोतल से दूध पिलाते वाले माता पिता सहित 110 से भी अधिक नई इमोजीज जोड़ी गई। यूनिकोड कंसोर्टियम ने 110 से अधिक इमोजीज की अनाउंसमेंट की जो की है वो 13.0 का एक हिस्सा है। सितंबर 2021 तक यूनिकोड स्टैंडर्ड लिस्ट के मुताबिक अब तक 3633 इमोजीज बन चुकी है। सबसे रिसेंट रिलीज हुई इमोजीज 14.0 की है, जिसमें 112 नए इमोजीज जोड़े गए हैं। यूनिकोड कमेटी के मुताबिक हर साल सैकड़ों नए इमोजी के लिए एप्लीकेशन मिलते हैं। यूनिकोड कंसोर्टियम इमोजी के लिए पैमाना तय करती है कि क्या इमोजी बनानी चाहिए और कौन सी नहीं बनानी चाहिए। इमोजी के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि होमस्टेड की आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट इमोजी कौन सा है, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते वक्त यूज करते हो। इमोजी का पहला फैक्ट, फिनलैंड देश का नाम तो आपके सुना ही होगा अगर आप नक्शे पे कभी कभी नजर मारते होंगे तब। तो ये दुनिया का इकलौता देश है जो अपनी सांस्कृतिक इमोजी बनाई हुई है, मतलब अपना कल्चरल इमोजी बनाई हुई है उन्होंने। एप्पल कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा क्योंकि वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है। उन्होंने 2016 में एप्पल कंपनी ने अपनी इमोजी की लिस्ट से असली पिस्तौल वाली इमोजी को हरे रंग की पिचकारी वाली इमोजी में बदल दिया था।
शायद ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि अमेरिका में गन्स के वायोलेशन बहुत ज्यादा हो गई। इमोजी का तीसरा फैक्ट ये है कि फेसबुक मैसेंजर पर लगभग 5 बिलियन इमोजी हर दिन इस्तेमाल की जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इमोजी हंसते हंसते आंखों से आंसू निकलने वाली इमोजी है, यानी कि टीयर्स ऑफ जॉय। इमोजी का चौथा फैक्ट ये है कि फेसबुक की तरफ से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक टॉप 10 मोस्ट यूज इमोजीज में से एक भी इमोजीज ऐसी नहीं है जो नेगेटिव इमोजी है। जितने भी इमोजी सेंड की गई वह सारी पॉजिटिव इमोजीज थी। इमोजी का पांचवा फैक्ट, आज पूरी दुनिया में पर सेकेंड 34,72,222 इमोजी सेंड की जाती है, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट इमोजी सेंड की गई है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके आप क्या शेयर करें, और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।